नमस्कार, मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। अभी हम खड़े हैं नगर पंचायत भगवानपुर में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं रचित अग्रवाल जी, बात कर लेते हैं। शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, किस उपलक्ष्य में है? सर क्या कहना चाहेंगे, एक शोभा यात्रा निकल रही है, किस उपलक्ष्य में निकल रही है? भैया कृष्ण जन्माष्टमी कल सभी पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। पिछले 35 वर्षों से लगातार भगवानपुर में शिव कोडूमल मंदिर के द्वारा ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। वहाँ पर पहले हमारे 40 वर्ष के आसपास हमारे बड़े, हम इनके सानिध्य में ही आगे बढ़ रहे हैं। हम तो बचपन में छोटे छोटे थे तब से शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बस इसी शोभा यात्रा में आज सब हम भगवानपुर वासी सम्मिलित हुए हैं और ये पूरे नगर में होकर जाती है और बड़े धूमधाम से निकलती है। भगवानपुर की जो शोभा यात्रा है, रामलीला है, बहुत दूर दूर तक फेमस है, देखने आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी डिजिटली के उसमें कलाकार लुप्त होते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भैया बचपन में भगवानपुर का हर घर में से एक कलाकार थे, आज भी कलाकार हैं, लेकिन समय का अभाव, आपका कहना डिजिटल जो बढ़ रहा है उसके वजह से थोड़ा हुआ, लेकिन यहाँ भगवानपुर में आज भी बहुत इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं कि यहाँ जब भी रामलीला कहीं भी होती है, किसी भी रूप में होती है, तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार निकल के आते हैं यहाँ पर, है यहाँ पे। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद में पहली बार देश में रामलीला हो रही है, आयोजन हो रहा है, कैसे देखते हैं इसको, कितना उत्साह देखते हैं? उत्साह पूरे देश में है। हम तो कोशिश करेंगे कि हम, क्योंकि भगवानपुर रामलीला कहीं सोई वर्षों से यहाँ लगातार रामलीला चली आ रही है जो ये थी, और हम कोशिश करेंगे कि इस रामलीला में हम अयोध्या जाएं और देख के आए। क्या कहना चाहेंगे, जनता आपको चेयरमैन प्रत्याशी के रूप में भी देख रही है, तो आप खड़े हुए हैं जहाँ ग्राउंड पे, वहाँ की स्थिति देख लीजिए, एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? या भगवानपुर में चार डी से भी 35 स्ट्रीट लाइट लग चुकी है, आपको अभी आगे मिलेगी, पीछे चौराहे पे भी लग रही है, वो देखो सामने आपके मैदान दिख रही हो, ऐसी लग चुकी है, धीरे धीरे लग रही है, विकास हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। रचित अग्रवाल जी का विकास, इस विकास से क्या लगेगा, क्या नए आप सुविधाएं देंगे भगवानपुर वासियों को? अपनी पार्टी के भरोसे, अपने पार्टी के शीर्ष नेताओं के भरोसे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, नगर पंचायत की जनता मेरे पे विश्वास दिखाएगी तो मैं वो कार्य करके जाऊंगा, क्योंकि आप यहाँ कभी कोई सड़क का, लाइट का और साफ सफाई का कभी कोई क्वेश्चन नहीं उठाने के। ये महिला सुरक्षा के मुद्दे हम देख रहे हैं, कोलकाता हो, उधम सिंह नगर, देहरादून, अगर रचित अग्रवाल जी मेयर के प्रत्याशी में जीत के आते हैं तो क्या महिलाओं के लिए क्या स्पेशल होगा? भैया महिलाओं का मुद्दा मेनली हमारी सरकार जितनी जोर शोर से पीड़ितों को न्याय दिला रही है, आपने भी देखा होगा ISBT में जो एक घिनौना काम हुआ है उसमें बहुत जल्दी उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया है। हमारी सरकार पूरी तरीके से पूरे देश में सतर्क है महिलाओं के प्रति। मैं तो देखो यही कहूँगा कि अपने बच्चों में संस्कार दो और महिलाओं के प्रति जो एक आदर है, हमारे यहाँ महिलाओं को एक देवी के रूप में पूजा जाता है, उसी तरीके से महिलाओं का सम्मान करें, तो अपने बच्चों को संस्कार दे, तो ये इस तरह की कोई घिनौनी घटना होने का मतलब ही नहीं है। आप शिक्षा प्रणाली से भी जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं, देखते हैं शिक्षा प्रणाली को, कक्षा एक से छोटी से लेकर 12वीं तक क्या सुधार चाहेंगे? आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में एक ऐसा सब्जेक्ट मैंडेटरी होना चाहिए जो हमारे जो महिलाएं हैं, लड़कियां, लड़कियों, लड़कों सबको एक तरह से वो करे? मेरा तो सबसे ज्यादा है टीचर्स, आजकल स्कूलों में है ना टीचर्स की बहुत ज्यादा कमी महसूस की गई, विधानसभा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ही टीचर्स के ऊपर लगे हैं, लेकिन उनका एक मामला उलझा हुआ है कि भाई स्कूल प्रबंध समिति को पावर दे रहे हैं या आयोग के थ्रू रखेंगे। मैं तो सरकार से यही चाहता हूँ जल्द से जल्द इसमें निर्णय हो और जो स्कूलों में टीचर्स की कमी है उसे पूरा किया जाए। रही बात स्कूल में कोर्स की, तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादातर हिंदी भाषा पे जोर दिया जाए सभी स्कूलों पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जन्माष्टमी की शोभा यात्रा भी है, रामलीला का भी ध्वजारोहण हो गया, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी बार की रामलीला है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ सभी नगरवासियों का और हमारे छोटे भाई रचित जी हैं, रचित अग्रवाल जी का, इनका भी धन्यवाद। ये हमारी सब की शोभा यात्रा है और इसके अलावा सब का धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे, भगवानपुर जो है एक मिश्रित आबादी है, सब तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे, कहीं ना कहीं चुनावी उसमें प्रक्रिया बढ़ जाती है जो पॉलिटिशियंस है, क्या कहना चाहेंगे? ये चुनावी स्टंट नहीं है, ये तो एक सर्व समाज का सहयोग है, सर्व समाज का सहयोग है। ओबीसी सीट आती है यहाँ पे तो मेयर प्रत्याशी के रूप में किसको देखना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो जब चुनाव का समय आएगा तब उसके बाद बात करेंगे, फिलहाल कोई नहीं। बाबूजी क्या कहना चाहेंगे, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद पूरे देश में पहली बार रामलीला हो रही है, कितना उत्साह देखते हैं? रामलीला एक अलग महत्व रखती है, कृष्ण जन्माष्टमी एक अलग महत्व रखती है। अब फिलहाल कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है तो इसमें कृष्ण जी की बात होंगी, जब राम अयोध्या में आएंगे तब अयोध्या की बात। रामलीला का भी कहीं ना कहीं आगाज आज हो गया वाली है, आएगी तो उसे भी देखेंगे, अभी तो फिलहाल कृष्ण जन्माष्टमी पे ध्यान है और कृष्ण जन्माष्टमी की राधे राधे है।
जीत अग्रवाल जी भी कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी पकड़ कर रहे हैं, कैसे देखते हैं उनको? राजनीति का इस मंच से कोई मतलब नहीं है फिलहाल। जब राजनीति आएगी तब हम राजनीति करेंगे। इस टाइम जो हमारा सारा ध्यान है पूरे सर्व समाज का सिर्फ एक कृष्ण जन्माष्टमी पे है। सर अभी हम जहाँ खड़े हैं जहाँ से हमारी शोभा यात्रा जाएगी, सड़कों की हालत जर्जर है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो राजनीति तो अछूती नहीं रह सकती। जैसे भी है बस सब ठीक है। अभी सर सड़क पे से होके जाएगी कहीं ना कहीं गड्ढे सब हो जाएगी, सब हो जाएगी। अभी नगर पंचायत का जब चुनाव होगा कोई नगर पालिका में जो भी बनेंगे वो कराएंगे काम, ऐसा नहीं है, सड़क निर्माण भी होगी सारे काम। क्या नाम है आपका? रितिका। कौन सी क्लास में हो आप? थर्ड। आप अभी यहाँ पे आए हो, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे झिल्ले सर है शोभा यात्रा। हाँ। क्या बने हुए हो आप? कृष्णा। कृष्णा कौन थे? कृष्णा जी, कृष्णा जी राधा जी के पति। राधा जी के पति, पति। आप स्कूल नहीं गए आज? आज मैं जल्दी आ गई थी स्कूल से। आज मैं स्कूल से जल्दी आ गई थी। कितने बजे के आए हुए आप यहाँ पे? यहाँ पे हम थोड़ी देर पहले आए हैं अभी। घर पे कितने बजे जाओगे फिर रात को? 11:30 बजे चल जाएंगे। थकोगे नहीं आप? नहीं। रास्ते में भूख लगेगी प्यास लगेगी तो ये हमारे। क्या नाम है आपका? अग्नि। क्या बने हुए आप? मैं राधा। कौन थी राधा जी? कृष्णा जी की पत्नी। जन्माष्टमी मनाई है, जन्माष्टमी पे झांकी में बने हुए थे आप? जी। अच्छा रामलीला देखते हो? रामलीला जी हाँ। कहाँ देखते हो, टीवी पे या पर्दे पे? हम पर्दे पे देखते हैं। करते भी हो रामलीला में कुछ? नहीं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा क्या बने हुए हो आप? कृष्णा। कृष्णा ही नाम है, कृष्णा ही बने हुए हो? ग्वाले बने हुए हो? कृष्णा जी को जानते हो? कौन थे कृष्णा जी? राम। कृष्णा जी कौन थे जो आप बने हुए हो, वो कौन थे? भगवान थे? श्री राम। जिनका गेटअप आपने ले रखा है वो कौन थे? वो तो राम थे। राम। आप तो कह रहे कृष्णा बने हुए हो आप। कौन सी क्लास में हो आप? फर्स्ट। आज स्कूल गए थे? छुट्टी कर लिया? अभी रात को 11 बजे तक जागना पड़ेगा, जाग लोगे? हाँ। बीच में ही बंक मार दोगे? नहीं। कितने बजे के आए हुए यहाँ पे? हम तो आपका क्या नाम है? रितिका। कितने बजे आए हो तैयार होके इतना सुंदर सा? अभी आए थोड़ी देर पहले। घर कब जाओगे? जब जाएंगे। रात को जाना पड़ेगा 11 बजे, थकोगे तो नहीं? खाना खा के आयो? क्या बने हुए हो आप? अच्छा यहाँ पे आप आए हुए हो, क्या हो रहा है यहाँ पे?